गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम भी अपन ने विद्युत द्विध्रुव देखा था, अब अपन देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके मध्य अति अल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे पी से व्यक्त करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो जैसे यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। अगर ये दोनों अति अल्प दूरी पर हो तो फिर ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे विद्युत द्विध्रुव। लेकिन अगर द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो इनके आवेश को और इनके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या बना? पी बराबर क्यू इंटू टू ए। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। अब इसका मात्रक निकाले तो मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा क्यू क्या है? आवेश, और टू ए दूरी, तो आवेश इंटू दूरी यानी गुलाम मीटर। विमा निकालें तो आवेश की बेटा अपन ने पहले क्या देखी थी? एटी। और दूरी की क्या होती है? एल। तो इसकी विमा क्या हो जाएगा? एल टी ए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला अपना जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अपने इस पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन को ज्ञात करनी है। तो बेटा ये दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक तो अक्ष और एक होती है निरक्ष। सबसे पहले अपन अक्षीय रेखा पे बात करते हैं। तो बेटा अक्षीय रेखा क्या होती है? अक्षीय रेखा वो रेखा होती है जो दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, वो कहलाती है अक्षीय रेखा। मैं भी आपको अक्षीय और निरक्षीय रेखा बता देता हूँ। बेटा अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। जैसे देखो ये रहा प्लस आवेश माइनस आवेश, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है अनंत तक जा रही है, किधर भी जाओ ये रेखा अक्षीय रेखा कहलाएगी, ठीक है। और निरक्ष क्या होती है? निरक्ष ध्यान रखना लंबवत रेखा होती है। अब इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इनका मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहाँ। इनके मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा यानी कि ये जो सीधी रेखा बनेगी ना यहाँ पे, ये रेखा कौन सी कहलाएगी? निरक्ष रेखा कहलाएगी। तो ध्यान रखना अक्ष रेखा दोनों को मिलाने वाली रेखा है और निरक्ष रेखा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। अब अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो बेटा देखो, मैंने मान लिया यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? टू ए। अब इसकी इस अक्षीय रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु पी है जहां पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर है। हाँ, तो देखो अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों का बना हुआ है जिसके मध्य दूरी कितनी है? टू ए। तो देखो ये मैंने बता ही दिया, अब इसके मध्य बिंदु से पी के बीच की दूरी है आर। ध्यान रखना कि जो दूरी ली जाएगी ना वो मध्य बिंदु से ही ली जाती है, निरक्ष रेखा में भी और अक्ष रेखा में भी, यहां से यहां तक की दूरी आर है। अब अगर इस पी बिंदु की मैं ए के साथ दूरी देखता हूं तो अगर ये आर है और ये कितनी है? टू ए, तो ये आधी ए हो जाएगी और ये भी आधी ए हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ए पी दूरी कितनी होगी? आर प्लस ये, तो यानी आर प्लस ए। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी मैंने क्या डिनोट कर दी? आर प्लस ए। फिर दूरी देखनी है बीपी की, भाई पूरी ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है, उसमें से मैं ये दूरी माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगी? ये बच जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या बचेगी? बीपी दूरी आर माइनस ए, ठीक है। तो अपन को एपी दूरी निकाल ली, बीपी दूरी निकाल ली, इतना काम अपन ने कर लिया। अब देखो, माना इसकी अक्षीय रेखा एबी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, बिल्कुल। अब बिंदु पी पर
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बेटा किस कारण से आएगी, भाई एक तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर आएगी, एक इस प्लस क्यू आवेश का कारण आएगी। तो दोनों आवेशों के कारण अपन अलग अलग निकालेंगे, फिर इनका सदिश योगफल करेंगे। सदिश योगफल इसलिए करेंगे क्योंकि ये राशि कैसी है, सदिश राशि। तो बेटा देखो पहले माइनस क्यू आवेश, तो देखो इसमें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू यहाँ पर आवेश दोनों का समान है, आर दूरी क्या है उस बिंदु से आवेश के मध्य दूरी, यानी इस बिंदु से इसके बीच की दूरी कितनी है, वो दूरी है एपी। तो आर की जगह क्या जाएगा, एपी। तो यहाँ पर एपी, सॉरी एपी नहीं, एपी स्क्वायर है, अभी ठीक कर देंगे इसको। अब इसकी दिशा बेटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये माइनस आवेश है, मैंने आपको क्या कहा था कि ऋणात्मक आवेश सत्य विद्युत बल रेखाओं को अंदर लेता है और धनात्मक आवेश विद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालता है। तो इस बिंदु पर अंदर किधर जाएगी, इस आवेश के अंदर इस तरफ ही जाएगी, भाई बाहर होती तो बाहर इस तरफ निकलती, लेकिन अंदर कैसे जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो विद्युत बल रेखाएं अंदर इस तरफ जाएगी, तो ईए की दिशा किधर होगी, इधर, यानी कि पीए की ओर, ठीक है।